अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा। इस जग में श्री राम का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में मेरे राम का झंडा कभी न झुकने पाएगा। और देखिए हमारी बहनों को साधुवाद है। आदरणीय श्री जनक बाबूजी जो कृषि विभाग में, और देखिए हमारी ग्राम प्रधान जी में, प्रभु राम का झंडा कभी न झुकने पाएगा। और आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबूजी सपत्नी आदि सुदामा ने भी राम नाम है गाया। प्रहलाद सुदामा ने भी राम नाम है गाया। सबरी के बेड़ों पे प्रभु ने प्रेम के बस में आया। सबरी के बेड़ों पे प्रभु ने प्रेम के बस में खाया। रे मन भजले नाम हरि का, जग में नाम कमाएगा। इस जग में मेरे राम का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में मेरे राम का झंडा कभी न झुकने पाएगा। और देखिए मंच पर आप लोग देख रहे हैं आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबूजी और हमारी ग्राम प्रधान जी सपत्नी बाबूजी, और जिन्हें वो जल में राघव बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिरकाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिरकाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो, राम जी सिद्धि राम जी राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है राम ही करता, राम की सकल बढ़ाई, राम की सकल बढ़ाई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। राम काम करने वालों ने राम की शक्ति समाई। और दिव्या पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई, पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को, भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिरकाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिरकाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिरकाते हैं। और लीजिए
ता महारानी जय जय शंकर सुजानी जय जय भले हनुमान चतुर सुजान ज्ञान वाचान जय जय गणपत वरदानी जय जय गिरिजा महारानी जय शंकर सुजानी जय जय भले हनुमान चतुर सुजान ज्ञान वाचान भक्ति करति यमु द्वारी नाथी जय हाँ आरती की जय राजा राम चंद्र जी भक्ति करति यमु पहली आजत पुष्प की माला श्री रघुनंदन अवध पुवाला दूसरी आजत लक्ष्मण भ्राता आरती करते कौशला माता तीसरी आजत रघुवन मोहे रतन सिंहासन राजा राम जी अशोहे जो राजा राम जी की आरती का बेहा तज पे तुल हे अमर पति पावे। और मित्रों आदरणीय प्रमुख जी के द्वारा भगवान की मंगल में आरती हुई और हमारा निवेदन है अपनी समिति से थोड़ा सा माला वगैरह मंगवा लीजिए ताकि प्रमुख जी भगवान पर माल्यार्पण करें। प्रेम की अगन हो और भक्ति सघन हो प्रेम की अगन हो और भक्ति सघन हो मन में ये भाव हो मन में ये भाव हो तो प्रभु मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे। जी थोड़ा सा हम निवेदन करते हैं अपने आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी से कि समाज के सामने साक्षात्कार करें और अपने जिस अमूल्य समय को लेकर के आए हैं उस समय के मध्य में समाज को आपसे कुछ मिले ये निवेदन व्यासपीठ की ओर से है और समिति की ओर से भी है कि थोड़ा सा साक्षात्कार आप जरूर समाज से रखें। धन्यवाद प्रमुख जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। थोड़ा सा देखिए शोर बंद करिए और थोड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं इस देवभूमि ग्राम अलकछुआ की धरती माँ को प्रणाम करता हूँ। इसके बाद श्री राम माता सीता और श्री लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों को भी प्रणाम करता हूँ कि ऐसा सुंदर रामलीला का आप लोगों ने आयोजन किया और यहाँ की समिति को भी बहुत बहुत मेरा धन्यवाद कि ऐसे आधुनिक युग में भी आप लोग अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को नहीं भूले। जैसा कि ये लगभग 5 दिनों से रामलीला का मंचन हो रहा है तो मुझे कल ही शायद आज ही जानकारी मिली थी कि
अलकछुआ में रामलीला हो रहा है, प्रधान जी ने फोन किया, तो मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि श्री राम के चरणों की आरती करने का मुझे मौका मिला। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की, इस समय खेती का टाइम चल रहा है, सभी लोगों की फसलें अच्छी हों अगली साल। और इस साल तो पानी में लगभग लगभग सब कुछ नष्ट हो गया है, शायद धान की और मूंगफली की खेती बची है, तो यहाँ पर भी मूंगफली की काफी बुवाई हुई होगी, तो हमारे यहाँ भी मूंगफली की बहुत बुवाई हुई और लोगों के घरों में बहुत झगड़ा हो रहा है कि मूंगफली काहे बवा दी। सुबह हमारा काम लगा था तो एक मैं बब्बा के यहाँ गया, मैंने बब्बा चलो काम करवा दे, तो टोकरिया से लड़त रहा है, बोले इन्हें मूंगफली बवा दी, मैं कहूं ना जाऊं। खैर ये तो हंसी के बातें हैं, मेरी ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के नवयुवा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि माननीय हमारे सम्माननीय जीतन और जीतू राठौर। मैं अपने समस्त ग्रामवासियों की ओर से एवं समस्त कमेटी की ओर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे नौयुवा साथी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चूंकि बहुत समय से परिचित हूं, सर ब्लॉक प्रमुख तभी बने हैं, लेकिन मैं जिनके स्वभाव से परिचित हूँ, जो आज आपके सामने हंसी के बातें की, आप जब भी इन महापुरुषों से आप मुलाकात करेंगे, तब भी आप मुलाकात करेंगे तो यही स्वभाव, यही हंसता हुआ चेहरा आपके सामने हमेशा उजागर रहता है। और एक इनके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि ये सूल बनकर नहीं फूल बनकर खिलते हैं, सूल बनकर नहीं फूल बनकर खिलते हैं, ये दोस्त हो या दुश्मन सभी से मिला करते हैं, दोस्त हो या दुश्मन सभी से मिला करते हैं। पुनः मैं अपने समस्त ग्रामवासी अलकछुआ की ओर से एवं समस्त कमेटी भाई बंधुओं की ओर से पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये हमारा बुंदेलखंड है, जो इस समय जो ये प्रोग्राम चलते हैं और चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में भी जनपद हमीरपुर और हमीरपुर जनपद में भी आपका ग्राम अलकछुआ। तो कहते हैं कि हमारा ये नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं है और हमारा बुंदेलखंड अलकछुआ में किसी भी लंदन से कम नहीं है, हमारा बुंदेलखंड अलकछुआ किसी लंदन से कम नहीं है। मैं पुनः अब मैं आग्रह करता हूं कि चूंकि कमेटी से कुछ भूल हुई है, कि चूंकि पहले हमको फीता का शुभारंभ कराना चाहिए था, नहीं मैं अपनी तरफ से माफी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार आज की जो लीला का मंचन है, और हो सकता है कि आज मुझे लास्ट प्रोग्राम है हमारे गांव का, तो मैं पुनः आप सबसे एक अगर कोई माफी या गलतियां हैं तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक बार फीता काट करके आज की मंचन का शुभारंभ किया हमारे प्रमुख जी और हमारे साथ अनु आचार्य जी जो भी हमारे साथीगण हैं, सभी लोग आए, मैं इनका बहुत हार्दिक स्वागत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तालियां बजा दीजिए, थोड़ा जोर से तालियां बजाइए और जोर से। बोल श्री राम चंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जैसे कि परंपरा है कि अतिथि देवो भवा, हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति अतिथि या रिश्तेदार बनकर आता है तो सर्वप्रथम हमारा कार्यक्रम शुभारंभ के बाद माल्यार्पण का कार्यक्रम, तो मैं चाहूंगा कि हमारे
बड़े भाई श्री शत्रुघ्न सिंह राजपूत जी प्रधान प्रतिनिधि, मैं चाहता हूं कि हमारे प्रमुख जी का माल्यार्पण पढ़कर स्वागत करेंगे। माननीय प्रमुख जी का ये बात देखिए, यही मैंने जो कहा ना कि सूल बनकर नहीं फूल बनकर खिलते हैं, तो ये अपना एक स्वयं का एक स्वभाव, स्वयं का एक सम्मान होता है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच जयकांत तिवारी जी, हमारे प्रमुख जी के साथ आए हुए श्री अन्नू आचार्य जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा कि चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं चूंकि कार्यक्रम में विलंब है तो अपना समय ज्यादा नहीं दूंगा, और मैं पुनः चाहता हूं कि एक बार हम सभी ग्रामवासियों को, समस्त कमेटी वासियों को 2 मिनट का एक आशीर्वाद स्वरूप माननीय प्रमुख जी और उनके साथ आए हुए हमारे अन्नू आचार्य जी, जो कि मैं बताऊं कि जो एक मंच संचालक एक